मेडिटेशन के प्रोसेस में भीतर की ओर बहते चले जाना। दोनों आंखों से थोड़ी देर के लिए अवकाश प्राप्त कर लेना और तीसरे नेत्र में अपने भीतर के नेत्र में अपनी थर्ड आई में उतराना, अर्थात देखना शुरू करना, अपनी ओर देखना, अपने भीतर की ओर देखना, अर्थात वही देखना जो तुम्हारे सामने घटित हो रहा है, तुम्हारे सामने आ रहा है, जा रहा है, रुका हुआ है। आप हर स्थिति को देखने वाले हो जाना। चारों ओर खंड खंड चेतना को अखंड बना लेना ही अखंड पाठ है जिसकी ओर इशारा करते हैं गुरु नानक देव जी, दसों गुरु, सभी अवतार, सभी जागी पुरुष, सभी सदगुरु, सभी पीर पैगंबर औलिया, सभी सन ऑफ गॉड, जिस और इशारा कर रहा है, सब शास्त्र सदग्रंथ जिस और इशारा कर रहा है, उस दसम द्वार की ओर, उस सुरती द्वार की ओर तुम उतर जाना, अपना बुझा दिया जला लेना, स्वयं जलाना, अपनी ओर मुड़कर के उस जगमगाती ज्योत को जिसे माइंड ने ढांक लिया है, तेरी ईगो अहम अहंकार की वृत्ति ने ढांक लिया है, तेरे मन ने जिसको ढांक लिया है, दबा लिया है, उसको उभार लेना। वो सदा जगमगा रही है, मन माया के फैलाव के कारण बुझी महसूस होती है, बुझी नहीं, वो जगमगाती है। थोड़ी देर के लिए मन के बादलों ने, विचारों के बादलों ने ढांका है, तो अपनी होश, अपनी सुरती संभालना, तुम अपने होने में वापस लौटते चले आना, तुम अखंड होते चले जाना। ये सब विचारों के बादल छटते चले जाते हैं, भीतर का आकाश निर्मल होता चला जाता है, अपने आप अंधेरे पतले होते चले जाते हैं। स्वतः ही तू निरंतर इस प्रक्रिया को देखने लगता है, तेरे समक्ष जो जो भी अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, वो सब धीमी पड़ती चली जाती है जो जो तू जागता है। अपनी होश, अपनी सुरती संभालना, यही संभालने योग्य संपदा है जिसको तूने आज तक बहुत गंवाया। लगातार जागे जागे देखते रहना, ध्यान का ध्यान रखना। इस संगीतमय वाइब्रेशंस में तुम डूबते चले जाना। लगातार देखने की प्रक्रिया में रहना, अपनी होश, अपनी सुरती अखंड बनाए रखना, तुम अपनी ओर बने रहना। बी सिंसियर, बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर ओन रियल सेल्फ। Meditation is a real challenge to mind, to stress.
बार बार वापिस लौटना, अपने स्वभाव में, अपने होने में तुम देखने की प्रक्रिया में, देखने के प्रोसेस में बार बार उतरना, तनिक मात्र निराश नहीं होना, मन से थोड़ा डिस्टेंस डेवलप नहीं हो रहा, मन से थोड़ी दूरी उपलब्ध नहीं हो रही, ये स्वतः होता है, अपने आप होता चला जाएगा। तूने कुछ नहीं करना, कोई क्रिया नहीं करना, कोई मेथड, कोई टेक्निक नहीं अपनाना, तूने डायरेक्टली जागे जागे रहना है। बहुत सहज हो जाना, साधारण हो जाना, सरल, सहज, विनम्र, सरल चितता ही तेरा द्वार खोलती है, इन अंधेरों को दूर करती चली जाती है। जो स्वतः दिखाई दे रहा है उसी को देखना, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, माइंड को कहीं फोकस नहीं करना, कुछ करना नहीं, ना करने की महान प्रक्रिया में तुम बने रहना। पुनः पुनः जागना, बार बार जागना, अपनी सुरती में पुनः पुनः उठना, विचारों की गति कितनी भी तीव्र हो, कितनी भी नागटी हो, कितने भी नकारात्मक विचारों की भीड़ हो, तुम अपनी सुरती बनाए रखना, तुम अपनी सुरती में रहना, मन के खेल को देखने वाले होना, मन माया के विस्तार को लगातार देखते चले जाना। अंधेरा मन का है, विचार मन के हैं, तमाम दौड़ द्वंद्व द्वैत ये सारा कचरा माइंड का है, तेरा नहीं। तो इसके खेल को देखने वाला है, लगातार देखते चले जाना। सुनी प्रीतमा, अब तो पुकार सुन लेना, प्रकाश उत्सव पर इतनी रहमत तो उतार देना हम सब पर। हम सब की बुद्धि को प्रकाशित कर देना, हंस बुद्धि निर्मित कर देना प्रभु। सुनी प्रीतमा, सुनी साहेबा, सुनी मालिका, मेरी कुक पपीवा, सुनी साहेबा, सुनी प्रीतमा,
सोनी मालका मेरी कोक पपीहे वाली। तेरा हो के आ गया, तेरा 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 हो के आ गया, रखी चाहे मार दे, तेरा हो के आ गया। तेरा हूं तुझसे आया हूं, तेरी अंश हूं, तनिक मात्र विभिन्न नहीं हूं मैं तुझसे, मैं तेरा हूं तुझसे आया हूं। तेरा हो के आ गया, रखी चाहे मार दे, तेरा हो के आ गया। जो उसके हो जाती उसके हाथों बिक जाती, उसके हाथों लुट जाती, उसके हो जाती है वो कभी भटकता नहीं, वो कभी भगोड़े नहीं होती, वो कभी अपने भगवान से भागते नहीं, वो कभी भी पीठ नहीं देते। अगर हम उसके हो गए तो फिर अपना डिसीजन, अपना फैसला, अपना विचार नहीं चलता, फिर जो वो, जैसे गोपाल ने कहा, सुदामा गुरुद्वार पर हम उसके हो गए, हम ऋषि संदीपनी के हो गए, हम गुरु संदीपनी के चरणों पर मिट गए, हम उसके हो गए, हम उसके हो गए। अब अपना मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, बॉडी नहीं, सब उसका हो गया। अब अपना कोई फैसला नहीं, कोई विचार नहीं, जिस दिशा में वो रखे, जिस दिशा में भेजे, जो भी कर्म करने को कहे, जिस ओर भेजे, जहां रखे, जैसा रखे, अब अपना कोई नखरा नहीं, अब अपनी कोई च्वाइस नहीं। सुदामा मुर्शिद के द्वार, गुरु के द्वार, अपना कोई चुनाव नहीं, अब उसकी रजा पूरी हो, उसकी मर्जी पूरी हो, उसके नाजो नियाज पूरे हो। तेरा हो के आ गया, तेरा हो के आ गया, रखी चाहे मार दे, मेरी आडोरा हाथ तुझे सरकार दे, मेरी आडोरा हाथ सच्ची सरकार दे, रखी पर्दा वे, रखी पर्दा मेरी कोक पपीहे वाली।
लाई मैं सदा मेरी कूक पपीवाली नेड़े होके सुनी प्रीतमा सुनी साहेबा सुनी मालिका मेरी कूक पपीवाली सात बरस का बालक नानक मेहता कल्याण देव मां तृप्ता का जाया छोटा सा बालक सारी सारी रात सोते नहीं आकाश के साथ नजरें जोड़े हुए घर का लाडला बच्चा सारी सारी रात अपने प्रीतम को अपने प्रियतम को अपने मालिक को अपने मुर्शिद को पुकारती है अपने अकाल पुरख में डूबते चले जाती है सारी सारी रात नहीं सोती वहां नींद डेरा नहीं डाल सकती वहां नींद कभी भी छू नहीं सकती जहां प्यास ने अपना सिर उठाया है वो तो केवल दिन रात रोते रहते हैं रुदन ही रुदन उनकी निद्रा है रुदन ही रुदन उनकी एक महत्व संपदा है रुदन ही रुदन उनका शास्त्र है उनका ग्रंथ रुदन ही रुदन रोआ रोआ धुलता है जिसमें निरंतर बहती गंगा है रुदन ही रुदन सारी सारी रात वजू करता है दीवाना भक्त आंसुओं से उसमें खोया रहता है नानक खोए हैं अपने विराट में वह नूर जो उस आंगन में उतरा है वो आकाश में जगमगा देना चाहता है वो आकाश को भी प्रकाशित कर देना चाहता है वो अपने विराट को भी आतुर कर देना चाहता है उतरने के लिए सारी सारी रात रोते हैं बैठे बैठे गुजरती है सारी रात तनिक मात्र थकान नहीं है उनमें जो प्यास दीवानगी दर्द और तड़पर में रहते हैं जो उसके लिए तड़पते रहते हैं तरसते रहते हैं उसकी राह देखते रहते हैं उसकी राहों पर निरंतर प्रतीक्षारत रहते हैं उन्हें कोई थकान नहीं होती उधर छह बरस के बालक दिन रात तड़पता है नानक रात दिन अपने रुदन की प्यास भरी तड़पती हुई आत्मा अपने मालिक से एक हो जाने की दीवानगी लेकर के सारी सारी रात जागती है मां तृप्ता कहती है तू नहीं सोता तो मुझे भी नींद नहीं आती मैं भी तड़पती हूं किंतु मैं तेरे लिए तड़पती हूं तू अपने मालिक के लिए तड़पता है मैं अपने बेटे के लिए तड़पती हूं कहीं पागल ना हो जाए विश्राम कर ले सो जा मां नींद नहीं आती वो सोने नहीं देता
वो विश्राम में नहीं उतरने देता। वो कहता है विष है आराम, विष है, विष भरा आराम तो क्या कर रहा है, जहर ही जहर है जिसमें, उस बेहोशी में नहीं जाने देता, वो पूरी पूरी होश, पूरा पूरा आकाश उतार देता है होश का। मुझे एक पल के लिए नहीं, तकिए पर सिर रखने देता, रात दिन तड़पाता है। नानक कहते हैं मां तो कहती सो जा, बाहर कितनी बरसात मूसलाधार हो रही, मूसलाधार बरसा है बाहर, उस मूसलाधार बरसा में एक पपीहा पी पी लगाए है वृक्ष की किसी टहनी पर बैठ करके। इतनी मूसलाधार वर्षा में जहां उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं, जहां उसकी कोई सुरक्षा नहीं, मां इतनी प्रतिकूल हालात में भी पपीहा अपने प्रीतम की पुकार लगाए। इतने संकट में भी वह अपनी पुकार नहीं छोड़ता, पल पल पुकार रहा है पपीहा। फिर मैं तो पुरुष हूं, मैं तो परमात्मा की डायरेक्ट अंश हूं, मैं तो उसका स्वरूप ही हूं। वो पपीहा पक्षी होकर के भी अपने प्रीतम को पुकारता चला जा रहा, तनिक मात्र से प्रवाह नहीं कि कितनी प्रतिकूलता, कितना संकट उतरा है आकाश में उसके, कितनी इनसिक्योरिटी है, कितनी असुरक्षा है, परंतु वो सब भूले हुए है। एक अपने प्रीतम की पुकार में डूबा हुआ पपीहा, वो अपनी पुकार नहीं छोड़ता, मैं छोड़ दू, वो उन राहों पर प्रतीक्षा नहीं छोड़ता, इंतजार नहीं छोड़ता, मैं छोड़ दू मां, मैं पुरुष होकर की, फिर मैं तो अपने कमरे में हूं, अपने बंगले में हूं, मेरे को तो कोई इनसिक्योरिटी भी नहीं, तूने पूरी सिक्योरिटी दी है मां। मैं गरम गरम बिस्तर में बैठा हूं, मेरे ऊपर छत है, बरसात का कोई प्रभाव मेरे पे नहीं है, मूसलाधार बरसा, मैं बिल्कुल सुरक्षित अपने बिस्तर में, गर्म बिस्तर में। इतनी सुरक्षा पाकर के भी और पुरुष होकर के, मैं पुरुष होकर के अपने पुरुषोत्तम को भूल जाऊं, अपने पिया को भूल जाऊं, अपने प्रीतम को भूल जाऊं, मैं सो जाऊं सारी सारी रात, पपिया नहीं सोता और मैं सो जाऊं। जो सो जाते हैं मां वो खो जाते हैं, जो जागते हैं वही एक बात पुरुष होते हैं, वही पुरुष होते हैं। जरा देख तो सही मां, इतना तो थोड़ा तुलना कर ले, अपनी मोह ममता के वशीभूत होकर के तू मुझको अपने परमात्मा, अपने परम पितु से दूर करने की कोशिश मत करना मां। मां इन राहों पर तुम अपनी मोह ममता के बादल ना उतार लेना, तू अपनी मोह ममता की अंधेरे ना बखेर देना, तू कहीं अपनी आसक्तियों की अंधेरे ना उतार लेना। आप सो जाइए मां, आप विश्राम कीजिए, सारा दिन आपने काम करना होता है, मेरी तरफ ध्यान मत देना, मैं पूर्ण विश्राम में हूं, मेरे जैसा विश्राम किसी के पास नहीं, मैं पूरा पूरा आराम में हूं, क्योंकि मेरे पास राम है, मैं पूरी तरह आराम में हूं। मैं तरस गई तेरी नजरों को देखने के लिए, तो सारा दिन अपनी नजरें आकाश के साथ जुड़े रखता है।
अपने प्रभु के साथ जुड़े रखता, मेरी तरफ तूने एक बार भी, एक पल भी, एक पलक भी नहीं देखा। तूने मुझको, मुझ माँ को एक बार देख तो नहीं। बच्चे तो अपनी माँ को चूमते चूमते थकते नहीं, और तूने एक बार भी अपनी माँ को चूमा नहीं। तू माँ के पास रहकर के भी माँ का नहीं, तूने माँ को एक भी नजर भर देखा नहीं। दिन रात तेरी तड़पन, तेरी दर्द, तेरी दीवानगी को देख देख करके मैं बहुत दुखी हो गई। मेरी तरफ तेरा कोई आंख ही नहीं, नजर ही नहीं। कोई चुनाव तेरा नहीं, कोई चॉइस तेरी नहीं, कोई प्रेफरेंस तेरी नहीं। मैं हैरान हूं कि छोटी सी आयु में तुझको ये रोग जो बुढ़ापे में लगना चाहिए वो बचपन में क्यों। मां, मुझे अपने प्रीतम से एक पल के लिए भी ओझल ना होने दे। मैं एक पल के लिए भी ओझल हो जाऊंगा तो वो विदा हो जाएगा, वो किसी और जगह बरस जाएगा। उसके लिए तो हजारों लाखों है मेरे जैसे, कि तो मेरे लिए वो, मेरे लिए वो एक, दूसरा कोई नहीं मेरे लिए। मां, खूब नजर भर तुझे देखूंगा, मैं खूब तेरी गोदी में खेलूंगा। अगर तू एक बार मुझे उसकी गोदी में उतरने दे, परम मातु की, परम पितु की। उसके साथ एक हो जाने दे, उसमें तेरा भी गुजारा, तेरी भी आबादी, तू भी चारों युगों में आबाद हो जाएगी। मां, अगर मुझे को प्रीतम ने अपना लिया, मेरे परम पितु ने मुझको अपनी गोदी में बिठा लिया, अगर उसने अपनी नजरों में उतार लिया, उसने मुझे अपनी नजरों में बिठा लिया, उसका मैं अगर हो गया तो मां तेरी गोदी भी चारों युगों में पूजी जाएगी। मैं तुझे जी भर कर की नजर भर देखूंगा। जिस दिन वो मुझे देख लेगा, जिस दिन वो मेरी नजरों में समा जाए, जिस दिन मैं उसकी नजरों को भा गया, उस दिन तू भी धन्य धन्य हो जाएगी। मां, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बाज रही काहे गवाए नो। मां, पपीहा नहीं सोता। सुनी मालिका, सुनी प्रीतमा, सुनी साहेबा, मेरी कुक पपीहा।